तो हेलो एवरीवन, ये शॉर्ट वीडियो है। बहुत लोग रिक्वेस्ट करते कि भैया एम्स भोपाल का हमें लेक्चर थिएटर या लेक्चर हॉल जहां पे लेक्चर्स होते हैं बच्चों के, वो आप हमें दिखाइए। ठीक है, तो वो वीडियो मेरे एक फ्रेंड ने शूट किया था जिसका नाम है साहिब। तो उसने वीडियो शूट किया था, अपने यूट्यूब पे अपलोड किया था। तो उससे मैंने एक क्लिप लेके आपको एक लेक्चर हॉल का एक टूर दे रहा हूँ, शॉर्ट टूर। ये हमारा LT है, इसको आप देख सकते हो फटाफट से। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और ऐसे शॉर्ट अमेजिंग मोटिवेशनल वीडियोस, क्वालिटी कंटेंट, इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। ठीक है, जिनको पता नहीं है, मेरा नाम है अथर्व अग्रवाल और मैं करंटली एक सेकेंड प्रोफेशनल MBBS स्टूडेंट हूँ एट एम्स भोपाल। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट जरूर करना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर चाहिए। तब तक के लिए ये वीडियो एंजॉय करो और मजे लो। तो यह आपका लेक्चर हॉल 4 सहयोग राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश। तो देखते हैं अंदर क्या है इसके। फर्स्ट ईयर MBBS लेक्चर हॉल ये हमारा था। तो आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि सीटिंग काफ़ी अच्छे अरेंजमेंट्स है। जो आपके सामने सोफ़ा डाला हुआ है वहाँ पे अगर कोई गेस्ट लेक्चर हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो वहाँ पे लोग बैठ सकते हैं। वहाँ पे आपके PGs या जो भी थोड़े से हाई डिग्निटी वाले लोग हैं वहाँ पे बैठ सकते हैं। और ये आपका सामने दिख रहा है, आपको माइक स्टैंड पूरा सब कुछ सेटअप है, दो बोर्ड से प्रोजेक्टर है, स्क्रीन डिजिटल इन दिस एरा जहाँ पे डिजिटल एजुकेशन भी थोड़ा सा प्रमोट होना चाहिए, डिजिटल की फैसिलिटी पूरी है, प्रोजेक्टर लगा हुआ है, काफ़ी अच्छा बिल्डअप है। आप देख सकते हो वन ऑफ द बेस्ट लेक्चर हॉल्स आप देख सकते हो पूरे कंट्री के अंदर, वर्ल्ड वाइड में। इतना अच्छा क्वालिटी का, इतना अच्छा बिल्डअप वाले लेक्चर हॉल आपको बहुत कम देखने मिलेंगे जो आपको यहाँ देखने मिल रहा है। आप देख के पता लगा पा रहे हो, सेंट्रलाइज्ड AC है जो ड्यू टू कोविड बंद था, क्योंकि कोविड के इसमें AC यूज़ नहीं किया गया था। बाकी आप देखो पूरे फ्लोर पर रेड कारपेट बिछा हुआ है, जो आपके सामने जो टेबल्स है उनके ऊपर चार्जिंग पॉइंट दे रखे, देखो आपको दिख रहा है ग्रे ग्रे कलर का, जो ग्रे ग्रे कलर का उसका प्रेस करोगे तो वो चार्जिंग पॉइंट्स है। तो आपको लैपटॉप, अपना iPad, क्लास में आप ड्यूरिंग लेक्चर्स iPad से नोट बना सकते हो। तो iPad से नोट्स बनाने के लिए वो आपको फैसिलिटी दी गई है कि आप प्रेस करके चार्जिंग पॉइंट कनेक्ट कर सकते हो, मोबाइल का हो गया, iPad का हो गया, और अपने नोट्स वगैरह जो भी आपको करना है कर सकते हो क्लास के अंदर यार। ठीक है, चलो।